हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कंडक्शन में लेक के ऊपर आइस कैसे ग्रो होता है, कितने समय में कितने थिकनेस का आइस ग्रो होता है, वो वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे। बराबर आप ध्यान दो सभी। बेटा ये मान लेते हम लोग वाटर विच इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है यहां पर, क्योंकि वो आइस फॉर्म होने की टेंडेंसी में है। अब आइस फॉर्म कैसे होता है, तो वाटर के ऊपर जो एयर पार्टिकल्स रहते हैं यानी एटमॉस्फियर, तो एटमॉस्फियर का टेम्परेचर माइनस में रहता है, जैसे -θ डिग्री सेल्सियस। यानी ये एटमॉस्फेरिक एयर ये बहुत ज्यादा ठंडी है, कूल है। अब ये जो माइनस में टेम्परेचर चला गया, तो ये वाला टेम्परेचर बहुत लो है, किसका? एयर विच इज फ्लोइंग ओवर दी वाटर। ये वाटर के ऊपर से फ्लो होने वाली जो एयर है वो बहुत ठंडी है। उसके कंपैरिजन में लेक का जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी ये टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ग्रेटर हो गया देन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फियर और एयर। तो डेफिनेटली आपकी हीट कहां से कहां फ्लो होगी? हीट आपकी वाटर से एटमॉस्फियर में फ्लो होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द वाटर टू एयर, बिकॉज एयर इज एट लोअर टेम्परेचर than the water. Water is at 0 degree Celsius and atmosphere is in negative -θ degree Celsius. Clear? Now, अब हम ये मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का ये पूरा आइस बन चुका है, ऐसा मान लेते हैं। आइस फॉर्म्ड और इसके थिकनेस है मान लेते हैं वाई। एटमॉस्फियर के एयर ने यहां से हीट निकाला और वाटर से हीट निकलने के बाद वाटर फ्रीज हो गया और वाटर फ्रीज होके इतना आइस बन गया। अब इसके नीचे वाला जो वाटर है, अब ये आइस फॉर्म करने की टेंडेंसी में आ जाएगा। यहां तक तो आइस बन चुका है, अब आइस ये वाला वाटर आइस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी में है। हम ऐसा मान लेते कि यहां से डी वाई लिंक का वाटर, ये थिकनेस कितना ले लिया डी वाई, और यहां तक का जो अब वाटर है वो आपका आइस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में है। इन टाइम डेल्टा टी, स्मॉल टाइम डेल्टा टी में यहां से अब हीट निकल के जा रही है एटमॉस्फियर में। कहां से कहां तक? तो वाटर से लेके एटमॉस्फियर तक। और किसके थ्रू पास हो रहा है? ये आइस वाल आइस के थ्रू पास हो रहा है। अब जब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जा रही है थ्रू द आइस स्लैब, तो यहां कंडक्शन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये कंडक्शन में रोल प्ले कर रहा है। कौन? आइस। तो कंडक्शन का फॉर्मूला क्या है? dQ/dt इक्वल टू kA/dt/dx, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आपका कंडक्शन कहां पर हो रहा है देख लेना बराबर। ये जो आइस है ये हो गया स्लैब जहां से कंडक्शन हो रहा है, ये हो गया लोअर टेम्परेचर, ये हो गया हायर टेम्परेचर। गलत हो गया बेटा हमारा, ये क्या है हायर टेम्परेचर, ये क्या है लोअर टेम्परेचर। ऊपर में क्या है आपका एयर, यहां पर क्या है अपना वाटर, और ये हो गया अपना आइस। ये कहां पर था? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये कहां पर था? -θ डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हो गया लोअर टेम्परेचर और ये हो गया तुम्हारा हायर टेम्परेचर। समझ में आया यहां तक? सो हीट कहां से कहां फ्लो होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू द स्लैब। इसकी थिकनेस क्या है आपकी? वाई। तो
तो इसी को हम लोग कंडक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये कंडक्शन का फॉर्मूला, dQ इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको सिर्फ क्यू लिख देता, क्यू यानी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन टाइम टी इक्वल टू के ए। इसको टी करके इधर भेज दो, स्मॉल टी। इसको मैंने क्यू बाय टी लिख दिया, क्यू डिवाइडेड बाय टी। इसका मतलब हुआ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन टाइम टी, तो इसको क्यू बाय टी लिख दिया, तो क्यू ले लिया, टी को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये वाला। इसके बाद बेटा ये जो ए है वो ए यानी क्या, इसका एरिया, ये जो स्लैब होगा इस स्लैब का जो एरिया होगा वो रहेगा ये, जैसे आप यहां पे ले रहे हो, सो ये हो गया एरिया। ऐसा ऊपर का जो सरफेस एरिया रहेगा ना उसको ले रहे हैं हम लोग एरिया, तो ये वाला एरिया ए आ गया आपका। इसके बाद व्हाट इज द के, के इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द आइस ब्लॉक। ये जो आइस का ब्लॉक है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई के। नाउ व्हाट इज द डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर ये माइनस ये करो तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, यानी जीरो माइनस माइनस थीटा, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि यहां का टेम्परेचर जीरो है और यहां का टेम्परेचर माइनस थीटा है, तो ये माइनस ये कर दो तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। डिवाइडेड बाय ये क्या है बेटा, डीएक्स। डीएक्स का मतलब लेंथ, इस लेंथ से पास हो रहा है ये जो हीट फ्लो हो रही है वो ये लेंथ से फ्लो हो रही है वाई से, इसलिए इसको लिख दो वाई। अब आप देख लो आपका हीट का फॉर्मूला क्या बना, तो यहां पे हीट का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं क्यू इक्वल टू क्या आ गया बेटा फॉर्मूला, के टी बाय वाई, के ए टी बाय वाई इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा थीटा। तो इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर वन, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया। यहां तक क्लियर सबको, नीचे वाला टर्म नहीं दिख रहा आपको, चलो इधर देखो बेटा ये वाई लिखा है मैंने, इसको बाजू में लिख देता हूं, इस तरफ लिख देता हूं थीटा इक्वल टू या अमाउंट ऑफ हीट क्यू इक्वल टू के ए टी बाय वाई इंटू थीटा इक्वेशन नंबर वन। अब दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है बेटा, ये क्यू किसके लिए, हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन टाइम टी, एंड व्हाट इज द थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। नाउ अब बेटा अगर, अब ध्यान देना पॉइंट नंबर टू में, ये हमारा स्टेप वन हो गया, ये हमारा स्टेप वन हुआ, अब हम लोग स्टेप टू ले रहे हैं। स्टेप टू क्या है, अगर ये वाला वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो वाटर आइस में कन्वर्ट होना जीरो डिग्री सेल्सियस पे, यानी वहां हीट का फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होता, क्यू इक्वल टू एम इंटू एल, यानी क्यू का मतलब अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किस चीज के लिए, वाटर को आइस में कन्वर्ट करते समय, क्योंकि वाटर से हीट निकालोगे और वाटर से हीट निकालने के बाद वो ठंडा होगा और वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वाटर से जो हीट आप निकाल रहे हो किस लिए, उसको आइस बनाने के लिए, वो हीट यानी क्यू। व्हाट इज द एम, एम इज द मास ऑफ वाटर व्हिच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आइस, ये वाटर का मास जो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। और व्हाट इज द एल, एल इज द लैटेंट हीट, ठीक है, तो इसका वाटर का लैटेंट हीट ले लेना एल। अब मुझे बताओ मास की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वाटर की डेंसिटी मान लो रो, ये उसका डेंसिटी हो गया और इसका वॉल्यूम ले लेना, तो मास यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इसका इस्तेमाल किया। सो मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लैटेंट हीट, ये लेंथ नहीं है लैटेंट हीट है। नाउ डेंसिटी, हाउ टू गेट द वॉल्यूम। अब ये देखो बेटा अगर ऐसा कोई भी स्लैब है, ये बराबर ध्यान देना आप, जैसे ये वाला पार्ट ले रहा हूं मैं, वाटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को दिखा रहा हूं, तो बेटा ये रहेगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को dy से मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस से। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन dy टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। सो वॉल्यूम कैसे मिलता है, वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू थिकनेस, ये वाली थिकनेस। सो वॉल्यूम की जगह पर
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस डिवाइड इनटू एल, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब देखो बेटा फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है। अब जो अमाउंट ऑफ हीट यहां से निकला होगा थ्रू द कंडक्शन, जो अमाउंट ऑफ हीट यहां से निकला है थ्रू द कंडक्शन प्रोसेस, वो वाला ये ले लिया इक्वेशन नंबर वन। और जो हीट यहां से निकालोगे ताकि वाटर आइस में कन्वर्ट हो, वो ये हो गया। सो दोनों एक ही चीज है, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, यानी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू करके आप ये दोनों हीट को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपने स्टेप वन स्टेप टू सॉल्व कर लिया है, अभी आपका स्टेप थ्री रहेगा। स्टेप थ्री, थर्ड स्टेप में दोनों हीट को आप इक्वेट कर दो। ये वाला हीट कितना है अपना, के ए टी थीटा डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू, ये कितना है अपना, रो ए एल इंटू डी वाई। अब इसमें जो इन स्मॉल टाइम लिया था हमने, कि ये जो स्लैब का ये जो थिकनेस था ये dy था, और ये थिकनेस dy बन रही थी स्मॉल टाइम dt में, तो यहां पे आपको स्मॉल टाइम dt लेना चाहिए। तो ये वाला टाइम जो था इसको स्मॉल टाइम लेंगे हम लोग, तो ये जो t है इस t को ले लेते स्मॉल टाइम dt। ये वाला टाइम, इस टाइम की जगह dt का इस्तेमाल करना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमने हमने पहले ही लिया हुआ था कि dy थिकनेस फॉर्म होने के लिए dt इतना समय लग रहा है, यानी स्मॉल टाइम dt, इसलिए इसका इस्तेमाल dt कर लेना यहां पर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हुआ यहां पे दोनों तरफ से, ये क्या हो गया अपना, k थीटा अपॉन y इंटू dt इक्वल टू रो l इंटू dy। अब आप क्या करोगे बेटा, y को dy के साथ ले लो, तो ये आ जाएगा k थीटा बाय रो एल इक्वल टू y इंटू dy, ये हो गया तुम्हारा k थीटा। ये वाला चीज बेटा रो एल को नीचे ला लो, ये तुम्हारा dt हो गया, और y को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। ये वाला जो रो एल था इसको इधर ला लिया, और ये जो y था इसको इधर ला लिया, ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया यहां पे, ठीक है। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर दो। अब ये इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि स्मॉल थिकनेस का आइस फॉर्म होगा, अभी इतने थिकनेस का कितना फॉर्म होगा, इतने थिकनेस के लिए कितना समय लगेगा, तो अलग अलग थिकनेस का आइस बनने के लिए कितना समय लगेगा उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करना चाह रहे हैं। अब हम सिचुएशन क्या लेंगे देखना, ये मान लेते हैं हमारा वाटर है, बराबर समझो बेटा। अब हम लोग अलग अलग केसेस ले रहे हैं, टाइम इक्वल टू जीरो पे, टाइम इक्वल टू जीरो पे थिकनेस ऑफ आइस इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आइस फॉर्म ही नहीं हुआ, तो जब टाइम इक्वल टू जीरो लिया तब हमारा आइस बना ही नहीं था, उसकी कोई थिकनेस थी ही नहीं। बट आफ्टर सम टाइम टी, टी समय के बाद इसकी थिकनेस हो गई मान लो वाई, यानी इतना आपका आइस बन गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, तो वाई वाला, तो यहां पे लिमिट वैसे ही लेना आप, जब टाइम जीरो था तब आइस बना ही नहीं था, उसकी थिकनेस जीरो थी, और टी समय के बाद उसकी थिकनेस हो गई वाई, इस तरीके से आप लिमिट को पुट अप कर देना। अभी इक्वेशन तो वापस से यहां लिख लेता हूं, के थीटा डिवाइडेड बाय रो एल इंटीग्रेशन ऑफ डीटी फ्रॉम जीरो टू टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई फ्रॉम जीरो टू y। ये हम लोग नेक्स्ट
केस ले रहे हैं, ठीक है ना। बराबर नोट ध्यान देना, बेटा आप लोगों को ये डेरिवेशन आया तो भी ठीक, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली भी, फॉर्मूला याद रख के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा, आपको एक फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डीएक्स, ये फॉर्मूला सभी को पता रहना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डीएक्स क्या रहता है फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला आपका। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, ये वाई टू द पावर वन है, यहां पर कुछ नहीं है ना, वन है ना वहां पर, तो ये एक्स टू द पावर अगर मैं वन दे दू ऐसे वन, तो यहां पे क्या करोगे आप, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन करोगे, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाय टू। तो उसी तरीके से यहां पे क्या आ सकता, वाई स्क्वायर बाय टू। देयरफॉर ये के थीटा अपॉन रो एल, बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीटी का मतलब क्या होता, छोटे छोटे टाइम को जोड़ोगे तो टोटल टाइम मिलेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीटी यानी समेशन ऑफ स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम को जोड़ोगे तो पूरा टाइम मिलेगा, जो टी ले लो आप, जीरो टू टी विच इज इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू वाई, तो पहले अपर लिमिट पुट अप कर दो फिर माइनस साइन फिर लोअर लिमिट, तो बराबर यहां टी ही बचेगा, बाद में यहां पे भी अपर लिमिट पुट अप कर दो फिर माइनस साइन फिर लोअर लिमिट, तो यहां पे भी वाई ही बचेगा। तो यहां से हमारा टाइम का फॉर्मूला बनेगा, टाइम इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, रो एल वाई स्क्वेयर अपॉन टू के थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बना। बेटा इसमें मेन चीज है फॉर्मूला किस चीज का बनाया, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो वाई थिकनेस का आइस, ये वाई थिकनेस का आइस बनने के लिए कितना समय लग रहा है उसका ये फॉर्मूला है। एक सेंटीमीटर थिकनेस का आइस बनने में कितना समय लगा, दो सेंटीमीटर का आइस बनने में कितना समय लगा उसका ये फॉर्मूला है। या तो उल्टा कह दो कि चार सेकंड के बाद कितने थिकनेस का आइस बनेगा, दस मिनट के बाद कितने थिकनेस का आइस बनेगा, या उसका कितना वॉल्यूम रहेगा, ये भी आप यहां से निकाल सकोगे। बाकी सभी चीजें कॉन्स्टेंट है, के यानी क्या, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, एल यानी क्या लैटेंट हीट, रो यानी क्या डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाई यानी थिकनेस, टी यानी टाइम। ये आपका पॉइंट नंबर वन जो आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको रख लेना है। अब दूसरी सिचुएशन बेटा, ये मैंने यहां नोट क्यों लिखा था अब आपको बताता हूं, ध्यान देना इधर। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, देखना। अगर हम ये मान के चले कि टाइम इक्वल टू जीरो पे पहले से ही हमारा वाई वन थिकनेस का आइस बन चुका है पहले से ही, तो हम लोगों ने क्या किया होता, टाइम इक्वल टू जीरो पे पहले से ही वाई वन थिकनेस का आइस बन चुका है, अब थोड़ी देर के बाद यानी आफ्टर टाइम टी जो आइस की थिकनेस बनेगी उसको y2 ले लेना। तो पहले हमारा y1 थिकनेस का आइस पहले से ही था, अब हमारा आइस की थिकनेस कितनी हो रही है y2 ऐसे, तो टाइम इक्वल टू जीरो पे y1 पहले से ही था और t समय के बाद y2 थिकनेस बना, तो यहां t समय के बाद y2 थिकनेस बना, ये ऐसा ले लिया। लिमिट पे ध्यान दो बेटा आप, टाइम जब जीरो था तो पहले से ही वाई वन थिकनेस का आइस था, थोड़े समय के बाद यानी टी समय के बाद आइस की थिकनेस हो गई वाई टू। अगर आप इसको पुट अप करोगे तो ये आपका फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, टी इक्वल टू रो एल वाई टू स्क्वेयर माइनस वाई वन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू के थीटा, ये हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है।
इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जीरो थिकनेस से वाई थिकनेस तक का आइस बनने का फॉर्मूला, उसके लिए लगने वाला समय टाइम, ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा? वाई वन थिकनेस से वाई टू थिकनेस तक का आइस बनने के लिए लगने वाला टाइम, उसका ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर मैं यहां पे देखो तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई टू स्क्वेयर माइनस वाई वन स्क्वेयर। अगर ऐसे दो बार ले लिया जाए तो ये टाइम इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई थ्री स्क्वेयर माइनस वाई टू स्क्वेयर, ये वन ये टू। तो ऐसा रेशियो लेके भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, यानी पहला थिकनेस वाई वन, बाद में का थिकनेस वाई टू, उसके बाद में का थिकनेस वाई थ्री, इस तरीके से भी आप ले सकते हो। पहले कितना टाइम लगा टी वन, बाद में कितना टाइम लगा टी टू, तो इनका रेशियो लेके भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट होगा, और एक चीज याद रखना, अब शॉर्टकट टेक्निक्स, शॉर्टकट क्या इस्तेमाल करोगे बेटा? ये पहला थिकनेस वाई बनने के लिए, आइस की थिकनेस वाई बनने के लिए वन मिनट का समय लगा, यानी टाइम लगा। अगर इसकी थिकनेस मैं डबल करना चाहो, यानी डबल करना यानी क्या, टू वाई, तो डबल थिकनेस होने के लिए फोर मिनट का टाइम लगेगा। अगर इसकी थिकनेस थ्री टाइम्स करना चाहो, ये थ्री टाइम्स थ्री वाई, तो टाइम हमें लगेगा नाइन मिनट का। ये पॉइंट बराबर समझना, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। वाई थिकनेस के लिए वन मिनट, तो डबल किया तो ये फोर हो गया, फोर होने का मतलब क्या हुआ, टू का स्क्वायर। अगर थिकनेस को थ्री टाइम्स किया तो टाइम हो गया थ्री का स्क्वायर। अगर हम थिकनेस को फोर टाइम्स कर दे तो टाइम क्या हो जाएगा, 16 मिनट। 16 मिनट यानी क्या, फोर का स्क्वायर। अगर हम इसको फाइव टाइम्स कर दे थिकनेस, तो यहां कितना जाएगा, 25 मिनट। इसका मतलब फाइव का स्क्वायर। ये शॉर्टकट आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर बताओ, इसके लिए टाइम कितना लगा, फोर मिनट, इसके लिए कितना लगा, वन मिनट, तो ये बनने में कितना टाइम लगा, थ्री मिनट, तो ये बनने में लगेगा थ्री मिनट। यानी ये कैसे निकाला हमने, थ्री मिनट, ये टाइम माइनस ये टाइम कर दिया। अब ये वाला स्लैब बनने में कितना समय लगा, ये वाला स्लैब, तो यहां तक कितना समय लग रहा है, नाइन मिनट, यहां तक लग रहा है फोर मिनट, तो ये कितना रहेगा, फाइव मिनट, तो यहां का आंसर रहेगा फाइव मिनट। समझ में आ रहा है बेटा? तो इतना आइस बनने में वन मिनट लगेगा, इतना आइस बनने में फोर मिनट लगेगा, इसमें नाइन मिनट लगेगा, तो ये फोर मिनट हो गया, ये नाइन मिनट हो गया, तो ये फाइव मिनट रहेगा। इस तरीके से आपको ये शॉर्टकट को इस्तेमाल करना है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, आप शॉर्टकट को इस्तेमाल करो तो भी चलेगा, फॉर्मूला यूज करो तो भी चलेगा। एक एग्जांपल आपको दिया है, आइस स्टार्ट्स फॉर्मिंग इन लेक विथ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गिवन है, एंड वेन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इज द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ द टाइम टेकन फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस ऑफ आइस इज 7 आवर्स, 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ आइस इज फॉर्म्ड इन 7 आवर्स, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द थिकनेस ऑफ आइस टू चेंज फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर, चलो इधर ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन में वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, उसके ऊपर जो एटमोस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अब
वन सेंटीमीटर का आइस फॉर्म होने में, ये वन सेंटीमीटर का आइस फॉर्म हुआ, इसके लिए जो टाइम लगा वो 7 आवर्स का है। अब 2 सेंटीमीटर का आइस फॉर्म होने में कितना समय लगेगा, टाइम लगेगा वो आप बताओ। तो बेटा इसके पहले मैंने बताया था कि पहले इसके लिए अगर 7 लग रहा है टाइम, तो सेकंड के लिए क्या हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये हो जाएगा 28 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, बाद में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां पे हमने शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो पहला स्लैब बनने में 7 का टाइम लगा आपको, तो सेकंड उतनी ही थिकनेस बनने में, थिकनेस डबल होने में 28 आवर्स लगेंगे। तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर का जो थिकनेस बना था, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर का थिकनेस, उसके लिए कितना टाइम लगा होगा, 21 आवर्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। पहली थिकनेस बनने के लिए 7 का टाइम लगा था, उसकी थिकनेस डबल होने में 28 लगेगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर देना उसको। तो नेक्स्ट थिकनेस बनने में टाइम कितना लगा था, तो ये माइनस ये कर देना, दैट इज 21। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहो तो भी कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा आया था बेटा हमारा, ये वाला फॉर्मूला, T1 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल टू Y2 स्क्वायर माइनस Y1 स्क्वायर अपॉन Y3 स्क्वायर माइनस Y2 स्क्वायर। ये फॉर्मूले को यूज करेंगे, देख लो आप फॉर्मूले का कैसा यूज होगा। पहला टाइम कितना लगा था, 7, ये वाला टाइम हमें निकालना है, सेकंड वाला टाइम इक्वल टू, बेटा पहले आपकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर बनी थी और स्टार्टिंग में 0 थी, ये ऐसा आ गया। उसके बाद Y3 जो था वो 2 था और ये 1, ये ऐसा हो गया। यहां पे Y1 आपका 0 है, यहां पे Y2 है 1 और Y3 है 2, पहले 1 सेंटीमीटर बाद में 2 सेंटीमीटर, इसलिए इनिशियल 0, Y1 0, Y2 1, Y3 is 2। ये हो जाएगा 7/T इक्वल टू 1/3, सो T इक्वल टू 21 आवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है बेटा, इसमें आइस जो ग्रो हो रहा है उसके टाइम का फॉर्मूला याद रख लेना है और ये शॉर्टकट याद कर लेना है, बस। इसके ऊपर आएगा न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। आप फॉर्मूला सिर्फ याद कर लेना अच्छे से, डेरिवेशन नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, डेरिवेशन करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला और उसके टर्म्स के मीनिंग और उससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स जो आपको मिलेंगे उतने कर लेना, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है ये वाला। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।